भारत में अब मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है ये केस जो है वो केरल में सामने आया है जिसके बाद से भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई थी उसको और सख्ती से लागू करने का फैसला किया लेकिन यह मंकी पॉक्स होता क्या है किस तरह की बीमारी है और इसका इलाज क्या है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्ष सार्वर हम उससे बात करते हैं सर आ, ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स किस तरह की बीमारी है किस तरह से अलग है स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स से और क्या इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है मंकी uh, पॉक्स अगर हम वायरस की बात करें तो स्मॉल पॉक्स वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी फैमिली से है तो इस ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो कि तीन से चार वीक में के अंतराल में खुद ब खुद खत्म हो जाती है लेकिन हाँ जो इस बीमारी फैलने की संभावना है जो इसके केयर टेकरस हैं जो घर के लोग हैं जो बीमारी का मरीज का इलाज करते हैं या फिर जो अस्पताल में काम करते हैं स्वास्थ्यकर्मी है जो लेबोरेटरीज में काम करते हैं उनमें ये बीमारी बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा होती है इस बीमारी की अगर हमें देखना है कि इसकी सिम्टम्स जो है लक्षण जो है सबसे कॉमन सिम्टम्स है फीवर बुखार के बाद एक से तीन दिन के बाद जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिसको कोशिकाएं कहते हैं उसके सूजन आना तो फीवर विथ लिम्फेडेनोपैथी ये एक हॉलमार्क है मंकी पॉक्स का जो कि स्मॉल पॉक्स से इसको अलग करता है और जो बाकी वायरल फीवर्स हैं फीवर होते हैं उनसे भी इसको अलग करता है साथ में साथ कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि सीवियर माइल बॉडी पेन होना लेथार्जी होना ये भी देखा गया है बहुत ही कम केसेस में ये बीमारी सिवियर प्रारूप देखा गया जिसमें स्पेशली यंग पॉपुलेशन में निमोनिया होना यह देखा गया है जो कि सीवियर फॉर्म में इससे मॉर्टेलिटी भी देखी गई है कुछ प्रमाण में केस फेटेलिटी भी देखी गई है लेकिन ज्यादातर ज्यादा प्रमाण में यह डिसीज सेल्फ लिमिटिंग है आ, अगर किसी को फीवर लिफेडोनोपैथी होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके हाइड्रेशन उनके हाइजीन का फूड का ध्यान रखना यह जरूरी है प्लस दवाई दे सकते हैं अगर कोई साथ के साथ दूसरा इन्फेक्शन होता है तो सर लेकिन सवाल ये है कि क्या आ, ये जो बाकी बीमारी है ये कोविड की तरह या बाकी वायरल फीवर की तरह उस तेजी से फैलती है या फैलती फैल सकती है आ, अभी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि आ, अभी तक कुछ केसेस देखे गए हैं और उसका प्रसार उस तरीके से हुआ नहीं है जिस तरह से कोविड हुआ है इसका कारण ये हो सकता है कि ये वायरस एनवायरमेंट में कितना रहता है उस पर डिपेंड होता है कितना आ, ये फैलेगा कोई भी डिसीज प्लस इसमें असिम्टोमेटिक फेस कितनी है जिसमें यानी विदाउट सिम्टम्स फेस कितनी है जिसके कारण पेशेंट मोबाइल होता है और इसके कारण स्प्रेड हो सकता है ज्यादा दूर तक तो इससे पैंडमिक फैलने की संभावना होती है लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है जो पेशेंट का केयर गिवर है चाहे वो घर के सदस्य हो चाहे अस्पताल का स्टाफ हो या डॉक्टर हो स्वास्थ्यकर्मी हो इनमें ये बीमारी फैल सकती है तो इन इन लोगों को सतर्क रहना ज़रूरी है इन लोगों को प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है और रूटीन जो इन्फेक्शन कंट्रोल के हम प्रिकॉशंस लेते हैं हैंड वॉशिंग मास्क यूज सैनिटाइजेशन ये ये प्रिकॉशंस ये मेजर्स इसके लिए भी लागू होते हैं Uh, क्या इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन या दवाइयां हैं अगर वैक्सीन की बात करें तो अभी तक जो शोध हुआ है उसमें यह पता चला है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो इसपे कारगर साबित हुआ है जो पिछले साल आई थिंक एक साल पहले ये लाइसेंस भी हुआ है यूरोप कंट्रीज में उसका यूज भी हो रहा है लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है तो अभी उसके बारे में और शोध करना जरूरी है आ, कि यह वैक्सीन कितना कारगर होगा ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कुछ जो दवाई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होता था वो भी इसके लिए कारगर पाई गई है लेकिन फिर वो भी वैक्सीन की तरह इसका यूज आ, और अवेलेबिलिटी अभी लिमिटेड है तो हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्या ये जानलेवा भी हो सकती है जिस तरह से स्मॉल पॉक्स था Uh, अभी तक का शोध जो आए हैं उसमें देखा गया है कि इसकी सीवियरिटी थ्री परसेंट के आसपास देखी गई है और uh, यंग लोगों में सीवियर uh, चांसेस uh, सीवियरिटी के चांसेस ज्यादा है स्पेशली uh, जो बैक्टीरियल uh, इन्फेक्शन होते हैं अलोंग विद वायरल इन्फेक्शन उसके कारण सिवियर सीवियर कंडीशन हो सकती है तो यंगर पॉपुलेशन में इसकी सिवियरिटी देखी गई है लेकिन अगर पूरी ओवरऑल देखा जाए uh, बड़े uh, परिप्रेक्ष्य में तो ये सेल्फ लिमिटिंग और लेस सीवियर डिसीज है ये जिनका कहना है कि ये बीमारी जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है बहुत खुद ही चार हफ्ते तक खत्म हो जाती है और जो आसपास के लोग होते हैं जो मरीज के साथ रहते हैं या उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनको ये अपनी चपेट में ले सकती है लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ये नहीं फैलती कैमरा दीपक चौधरी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज दिल्ली